इस गिरावट में घबरा कर कोई माल नहीं खरीदना दोस्तों। जी हाँ, ये मत सोच लेना कि गिरावट हो रही है तो खरीद लो माल, अभी और माल गिर सकता है। जी अभी तो जनवरी शुरू हुआ दोस्तों, अभी तो ठंडी का प्रकोप बाकी है, और जाते जाते कहा होता है कि बसंत पंचमी आता है उसके बाद पतझड़ शुरू होती है, पतझड़ में नए पौधे लगते हैं, तो नए फल फूल बसंत ऋतु जब शुरू होती है, स्टॉक मार्केट में अभी पतझड़ चल रहा है दोस्तों, और पतझड़ के बाद इसका मतलब कि बसंत पंचमी के बाद स्टॉक मार्केट में खरीदारी करने की राय MBA BK सिंह दे रहे हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पतझड़ शुरू है और ये पतझड़ बसंत पंचमी के बाद ख़त्म होगा दोस्तों। जैसे कि अभी पतझड़ शुरू हो गया है, सभी पेड़ों से पत्ते जो है सब झड़ जाते हैं दोस्तों, नए पत्ते नए फूल पौधे, और बसंत ऋतु का जब आगमन होगा तो स्टॉक मार्केट में भी हरियाली, पूरे नेचर प्रकृति में भी हरियाली हरियाली होती दोस्तों। तो चलिए बसंत ऋतु की भी तैयारी शुरू कर लिया जाए दोस्त। आप भी कहेंगे सर क्या बात करते हैं, अरे मैं तो बात ही करता हूँ दोस्त, अब बात ही करते करते तो आपको 10,000 करोड़ का मालिक भी बनाने के लिए तैयार हैं। अरे हम जब 10,000 करोड़ कमाएंगे तो आप भी तो ये कम से कम 1,000 करोड़ तो कमा ही लेंगे कुछ कुछ लोग, और 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ तो कितने हजारों लोग कमा सकते हैं। जी हाँ, और ये एक बात बताइए दोस्त, उम्मीद शब्द जानते हैं, उम्मीद आशा विश्वास, ये जानते हैं किसका नाम है, ईश्वर का नाम है। जो आशा करता है वो ईश्वर को मानता होगा, जो विश्वास करता है वो ईश्वर को मानता होगा, जो धैर्य रखता हो ईश्वर को मानता होगा, दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह नहीं करता होगा, ईश्वर को मानता होगा, सबकी सुनता होगा, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, सबकी खाता होगा, चाहे पत्थर खाता हो थप्पड़ खाता हो चप्पल खाता हो, वो ईश्वर, इसलिए कि ईश्वर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे तभी नहीं बोलता है, और उनको गाली दोगे तभी नहीं बोलते हैं, समझ गए। तो ये विश्वास है, भरोसा है, आस्था है, और सबसे बड़ी आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास जिसके पास रहता है दोस्त वो जीवन के हर मुकाम को हासिल करता है। तो आप भी ये मत सोच लीजिए कि MBA BK सिंह ऐसे बोलते हैं, अरे कहने वाले यहाँ कहावत है कि हाथी जाता है कुत्ता भोंकता है, हाथी अपना जाते रहता है कुत्ते भोंकते रहते दोस्त, समझ गए। जो लोग समझ गए MBA BK सिंह की बातें, कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाता है दोस्तों, पीछे चला जाता है, वो कहाँ जाता है पते नहीं चलता है उनको, कभी कभी किसी के दिमाग में रात में सोए सोए याद आ गया तो समझ लीजिए कि वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं, यही बातें जो कर रहे हैं। और हम बात करते हैं 10 मिनट की बात करते हैं, लेकिन उसमें से जानते हैं 25-30 सेकेंड ही आपको मिलता है, और उसमें से जो निकालने वाले निकाल लेते हैं, नहीं निकालने वाले कमियां ढूंढते रहते हैं, तो कमियां ढूंढने इसलिए कि उनका दिमाग कहाँ है, उनकी कमियों ढूंढने में, अरे नेगेटिव सोच रखने वाले और लोगों की कमियां ढूंढने वाले, कभी अपनी तो कमियां निकाल लो। चलिए दोस्त घबराइए नहीं, तो कल का कमाई वाला स्टॉक क्या है आज आपको मैं बता दूं। अगर आप ट्रेडर हैं दोस्त, सबसे पहला नंबर छोड़ना नहीं इसको, जी हाँ छोड़ना नहीं, किसको तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,